बिलासपुर जिला के घुमारवीं उपमंडल के साथ लगते जिला मंडी के कस्बा बलद्वाड़ा की ग्राम पंचायत चौक में अश्विनी कुमार के परिजनों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मुलाकात की और उसके इलाज के लिए विदेश मंत्री और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से सहायता की गुहार परिजनों ने लगाई है। परिजनों का कहना है कि जयराम ठाकुर ने परिजनों को आश्वासन दिया है कि वे इसके बारे में उचित कार्रवाई अमल में लाएंगे। वहीं अश्विनी कुमार की धर्मपत्नी ज्योति ने कहा कि उसका पति अमेरिका में मौत और जिंदगी से लड़ रहा है और उसकी हालत ठीक नहीं है। किसी ने उसके ऊपर वार किया है और विदेश मंत्री और केंद्रीय मंत्री से वे मांग करती हैं कि उनके पति का इलाज करवाया जाए। मैं ज्योति पत्नी श्री अश्विनी कुमार अभी अभी हम मुख्यमंत्री साहब से मिलके आ रहे हैं और मुख्यमंत्री साहब जी ने हमें आश्वासन दिया है कि वो हमारी पूरी तरह से सहायता करेंगे। और जो मैक्सिको में मेरे पति के ऊपर कुछ गुंडों ने अटैक किया है उसकी वजह से बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है और वो अभी भी मतलब बात नहीं करने के लायक हैं और नहीं वो सुन पा रहे हैं और एक तरफ से उनको पैरालिसिस हो चुका है और इस कंडीशन में हम बहुत ही टेंशन माहौल में, हमारा सारा परिवार सदमे में है इस टाइम और हम वहाँ का खर्चा नहीं कर सकते। इससे माननीय मुख्यमंत्री और सुषमा स्वराज जी से हमारी गुजारिश है कि मेरे पति को वहाँ पे पूरा इलाज मुहैया करवाया जाए और उनका अच्छी तरह से इलाज करवाया जाए। पीड़िता की बहन ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि उसके भाई को इलाज में किसी भी तरह की कोताही ना बरती जाए और कहा कि वे गरीब परिवार से संबंध रखते हैं और बड़ी मुश्किल से कुछ पैसा इकट्ठा करके भेज रहे हैं। सरकार से वे मांग करते हैं कि उसके भाई का उचित इलाज करवाया जाए ताकि उसकी जिंदगी बच सके। तो हम चाहते हैं कि हमारे पूरी तरह से हेल्प हो, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम अपने भैया का इलाज करा सकें। तो मैं अपने सद्भात वासु और अपने सुषमा स्वराज जी से, सीएम साहब से, सभी से अनुरोध करती हूँ कि वो हमारी हेल्प करें, मेरे भैया का इलाज करें और उनका इलाज वहाँ जो है मुफ्त में किया जाए। हम बहुत गरीब हैं और हम कुछ भी नहीं दे पा रहे हैं। हमें जो अभी मेरे चाचू जी वहाँ मैक्सिको में गए हैं तो हमने बड़ी मुश्किल से 1.5 लाख का बंदोबस्त किया था, जो भी हमारे रिश्तेदारों ने हमारी हेल्प की है, हमारी हेल्प करें। धन्यवाद।